Maheshwari, and I'm very excited to be here today, and I'm very thankful and grateful for this amazing award. I've got a luxury travel influencer award today, and traveling se zyada khushi mujhe kisi aur cheez mein nahi milti, and especially jab mujhe mauka milta hai main different jagah pe travel kar sakun aur amazing beauty enjoy kar sakun, it makes me really happy. Any of your upcoming project you'd like to share with us, like next destination you want to visit? Next destination I want to visit is Bali. I want to visit Bali very soon, Jordan very soon, and project I'll be doing South project very soon. Thank you. It's a louder music. खड़ी थी और आज मैं यहाँ पर रिपोर्टर आरजे और एंकर की जो जर्नी थी और एक बेस्ट एंकर के लिए ये अवार्ड मिल रहा है, सो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 5 साल तक जो एक स्ट्रगल लाइफ रहा है तो उसकी वजह से आज ये कहीं जाके अवार्ड मिल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. और मैं नीलेश सर, सैंडी सर और मनीषा मैम को स्पेशली यहाँ पर थैंक्स कहना चाहूँगी. थैंक यू. अवार्ड मिला है कितना? बहुत अच्छा लग रहा है और मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस मिला है, तो मैं चाहूँगी, मैं प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि मैं और अच्छा करूँ और अच्छा करना चाहती हूँ. एंड माय मूवी इज़ रिलीजिंग इन दिस 13th of October. द मूवी नेम इज़ हम तुम्हें चाहते हैं, सो आई होप दिस मूवी विल डू वेल एज वेल. सो हाँ, दैट ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी, बट येस आई एम प्लेइंग ए वेरी स्वीट नाइस क्यूट पब्लिक गर्ल हु इज हीरोज परोसन. सो या थैंक यू सो मच. हाउ मेनी गर्ल्स ओवर हियर हैव ऑलरेडी सेड दैट आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल. मुझे बहुत अच्छा लगा. आई जस्ट लव द ट्रॉफी एंड थैंक यू सो मच सैंडी सर फॉर इन्वाइटिंग मी टू दिस वंडरफुल इवेंट. थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी फॉर माई वर्क. आई लव यू ऑल. ऑफकोर्स इट्स ऑलवेज माई मॉम, कोई मेरे पीछे नहीं है हर चीज़ के लिए. आई एम सो थैंकफुल टू हर ऑल्सो. यस थैंक यू. राइट नाउ आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड आई एम रियली हैप्पी. थैंक यू सैंडी सर एंड IAA अवार्ड्स. थैंक यू सो मच. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल. यस पुणे हाईवे माई मूवी इज अपकमिंग प्रोजेक्ट राइट नाउ. थैंक यू. मैं सबसे पहले तो सैंडी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ बुलाया. एंड मैं आप सभी का भी थैंक यू बोलूँगी. मेरा एंड थैंक यू सो मच आप सभी का जो मुझे इतना काबिल समझा है. आप लोग मेरा इंटरव्यू दे रहे हो. बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और सबसे पहले मैं एनम एंटरप्राइजेस के नीलेश सर है उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया है. एक्चुअली ये अवार्ड ना हम कलाकारों के लिए एक बूस्ट होता है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे ये अवार्ड मिला है. थैंक यू सो मच. माशाल्लाह प्राउड फील करता हूँ. मेरे से ज़्यादा मेरे मॉम डैड प्राउड फील करते हैं और अब तो शायद ऐसी नौबत आ गई है मुझे घर थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा अवार्ड्स रखने के लिए. तो आज ये सब मिल रहे हैं तो कल आगे और भी उम्मीदें हैं कि फिल्म फेयर तक भी जाएंगे हम. यस एक्सपेक्टेशंस तो बहुत बढ़ रही हैं क्योंकि मेरे करंट सॉन्ग जो आए थे वो ट्रेंडिंग पे चले और ट्रेंडिंग पे चल भी रहे हैं. अभी करंट तोहफा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ऑलरेडी रील्स पे ट्रेंड कर रहा है वो. एंड नेक्स्ट मेरा जो रिलीज़ है वो 6th of October को है. मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है एज अ सिंगर, तो सारे जो मेरे मोस्टली अब जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो मेरे ओरिजिनल गाने आ रहे हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल से आ रहे हैं और अच्छे अच्छे काफ़ी बड़े बड़े कोलेबोरेशन हैं, काफ़ी बड़े बड़े इंडस्ट्री के आर्टिस्ट के साथ गाने आ रहे हैं वो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
ये हर एक एक्टर का सपना होता है कि उसे अवार्ड मिले, बिकॉज ये हमारे लिए यू नो ये एक प्राउड मोमेंट होता है एज एन एक्टर. ये हमें मोटिवेट करता है, बिकॉज बीइंग एन एक्टर आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो चाहिए रहती है काम के लिए, आपको आगे यू नो ग्रो करने के लिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस अवार्ड. थैंक्स टू सैंडी जॉयल एंड एंड एम एंटरप्राइजेस फॉर हैविंग मी हियर. फील कर रही हूँ, ये अभी शुरुआत है और आगे ऑफकोर्स आगे बहुत आगे जाना है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है. सॉरी, नहीं अपकमिंग प्रोजेक्ट तो कुछ है नहीं सीक्रेट, बट या विल ट्राई सून और का बहुत आगे आएगा बहुत कुछ, फिलहाल तो कुछ अपकमिंग है नहीं. थैंक यू सो मच. तो सैंडी और एनएम प्रोडक्शन को बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही अवार्ड शोज उन्हें करने चाहिए और जो अपकमिंग है उनको और मोटिवेट करना चाहिए, और उनको ऑल द बेस्ट अपकमिंग इवेंट्स के लिए. थैंक यू. बहुत ही खुशी मिल रही है और ये एक तरीके का एनकरेजमेंट है सभी आर्टिस्ट लोग को. थैंक्स टू सैंडी एंड एचआर, सॉरी सैंडी एंड एनएम एंटरप्राइज. बहुत ही खुशी मिलती है, मतलब जब ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं और ऐसा एनकरेजमेंट मिलता है, तो ऐसे ही करते रहिए और लोगों को और प्रोत्साहित करते रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सैंडी एंड एन एम एंटरप्राइजेस फॉर इन्वाइट मी. प्रत्येक मराठीत बोलले तर चालेल ना, मी कम्फर्टेबल मराठी, आपण महाराष्ट्रात आहे त्यामुळे. सो कसं आहे, प्रत्येक ठिकाणी जे अवॉर्ड शो होतात ना, तिथे आम्हाला विचारलं जातं की तुम्ही पे केले का शोसाठी. मी फर्स्ट टाईम असं आहे की मला प्राऊड होतं आहे की सँडीने असा अवॉर्ड शो ऑर्गनाईज केलेला आहे एन एम एंटरप्राइजेसच्या सोबत, की ज्यामध्ये आम्हाला आमच्या कामातला सराहना देण्यासाठी इथपर्यंत बोलवलेलं आहे. सो थँक्यू सँडी अँड so thank you Sandy and NM Enterprises. Thank you so much and all the best. Celebrity yeah, sure. कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपन ज़्यादा काम करने के लिए कोशिश करते हैं, तो मैं पहले सबसे पहले थैंक यू करूँगी. थैंक यू सैंडी सर एंड एनएम एंटरप्राइजेस नीलेश सर, क्योंकि उन्होंने इस अवार्ड के लिए मुझे चुना, इसलिए थैंक यू. थैंक यू सो मच. टुडे टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड्स एंड मैं चाहती हूँ कि आई वांट टू थैंक सैंडी जोएल एंड एनएम एंटरप्राइजेस एम लिबास फॉर दिस ऑनर. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मेरे दो दो यू नो देर आर वेरी गुड न्यूज़ कि आज मेरा एक गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है पूरे इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसके लिए भी बहुत खुश हूँ और इस अवार्ड के लिए भी खुश हूँ. आप लोगों से मिलके भी बहुत खुश हूँ. आई एम फीलिंग सो प्राउड एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू सैंडी एंड एनएम एंटरप्राइजेस फॉर गिविंग मी दिस प्रेशियस अवार्ड. इट्स इंडियन इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड. सो my patriotic movie is coming in December, maybe in January. The date is not fixed, it will come soon. You guys get to know, it's a big project. Yeah. Thank you so much and all the best. Thank you. बहुत अच्छा फील हो रहा है और सबसे पहले थैंक यू सो मच टू सैंडी भाई जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और फर्स्ट टाइम मैं उनके इवेंट में आया हूँ. बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो एंड विद सैंडी जॉल एंड एंटरटेनमेंट ऑल ग्रुप्स. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. इतना प्राउड फील हो रहा है, क्या फील है?
स्वागत है। मैं हूँ आपका राजा। मैं हूँ निकिता। तो बहुत अच्छा लग रहा है अवार्ड मिलने के लिए, और सैंडी भाई तो हमारे मित्र भी है, तो इतना ऊपर आके मतलब थोड़ा इज्जत मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका प्यार भी मिल रहा है, सब पहचानते हैं तो अच्छा लग रहा है। और AM लिबास की तरफ से मोमिन भाई ने भी इन्वाइट किया था हम लोग को, तो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट मोमिन भाई के लिए। तो इतना ही बोलूँगा, थैंक यू, है ना। अभी तो हम लोग को साउथ में बुले, कपल डांसिंग का शो हो रहा है, तो देखते आगे क्या है। सीरियसली बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, और एज ए एक्ट्रेस और मॉडल ये मिलना लाइक बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आई रियली वॉन्ट टू थैंक सैंडी ज्वेल एंड एंटर प्रेस जिन्होंने हमें बुलाया, इन्वाइट किया, और ये अवार्ड्स दिया, तो यू नो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सैंडी का जो हमें यहाँ पे इन्वाइट किया, बहुत अच्छा हुआ है ये शो, और बहुत सारे सेलिब्रिटी भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, और मुझे मिला है ब्लॉगर, बेस्ट ब्लॉगर और बेस्ट ब्लॉगर और बेस्ट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। लोगों ने मुझे एक इंस्पिरेशन समझा है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि हर रिश्ते को अच्छे से निभाओ और आप तक पहुँचाओ। एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, मैंने सबको प्राउड फील कराया है। और मेरी जो इंस्टाग्राम फैमिली है और यूट्यूब फैमिली है, उनको मैंने प्राउड फील कराया है। थैंक यू सो मच, और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। अच्छा लगता है अवार्ड मिलना, एंड स्पेशली आई गॉट अबाउट फैशन ट्रेंड्स। सो ऑलवेज आई गो टू न्यू इवेंट्स, आई क्रिएट प्लस साइज के अच्छे अच्छे फैशन, सो दैट एवरीवन गेट इंस्पायर्ड। सो आई एम हैप्पी फॉर दिस। सी रेयरली क्या होता है, जो अवार्ड्स करते हैं उनको ज़्यादा लोग बुलाते नहीं है, तो सैंडी है जो जिसके वजह से आना पड़ा। एंड आई ऑल्सो मेनी इन्विटेशन आते हैं, आई डोंट यूजली गो, आई बिकम वेरी चूजी इन माई अवार्ड्स। एज अ फ्रेंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सो मच, पहली बार ऐसा अवार्ड अचीव कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं स्पेशल थैंक्स सैंडी एंड NM इंटरप्राइजेस को बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इसके काबिल समझा हम लोग को। थैंक यू सो मच। लोगों का प्यार कहना चाहूँगा, लोगों का प्यार। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और इस काबिल माना मुझे इस अवार्ड के। आई एम वेरी 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 वेरी, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है इस अवार्ड लेने के लिए, और दिन में दूसरा अवार्ड लेने के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा ये फील हो ही रहा है। डेफिनेटली मुझे कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा ही बूस्ट होता है, बिकॉज जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, जो मुझे कमेंट्स आते हैं, जो मुझे लाइक्स मिलते हैं, जो मुझे प्यार मिलता है जनता से, हाँ वो मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी आगे क्या प्लान्स है, मतलब कॉन्ट्रोवर्सी की छोड़ के तो बहुत कुछ आने वाला है। नेक्स्ट वीक में मेरा एक अनाउंसमेंट भी आने वाला है, बहुत जल्द एक अनाउंसमेंट आएगा, तो मेरे प्यारे भाइयों को तो मैं बुलाऊंगा, बिकॉज आप ही जो हो मेरी आवाज़ देश की जनता देख लो, आप ही पहुँचा सकते हो और मेरे चाहने वाले भी। थैंक यू, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड थैंक्स फर्स्ट थैंक टू सैंडी जॉय NM इंटरप्राइजेस, एंड ये मेरा इंटरनेशनल फर्स्ट अवार्ड है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं
स्टंट वुमेन हूँ और हम सिर्फ पर्दे के पीछे दिखते हैं। तो नीलेश सर ने मुझे यहाँ पर बुलाया और ये अवार्ड के लिए बुलाया, तो मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि लोग हमें भी देखेंगे कि हम भी पर्दे के पीछे रहते हैं और जो हम स्टंट करते हैं बड़े से बड़े, तो वो इसकी वजह से मैं सबको थैंक यू बोलूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, बेस्ट एक्ट्रेस एंड इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला है। ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद करो ताकि मैं और प्रोजेक्ट करूँ और कंटेंट बनाती रहूँ। हाँ, ऑल्ट बालाजी के लिए क्राइम एंड कन्फेशन, उसका एक एपिसोड रिलीज हो चुकी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। दूसरी एपिसोड रिलीज हो रही है कमिंग संडे। थैंक यू सो मच। बहुत प्राउड फील हुआ है एंड दिस हार्ड वर्क मेड मी रीच टू दिस वेरी बिग मोमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली ऑनर। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस, थैंक यू सो मच। एंड आप लोग की मतलब केयर एंड ऑल दैट लव, आप लोग उसके वजह से मैं अभी तक यहाँ तक पहुँची हूँ, थैंक यू सो मच। और मैं स्टे ट्यून फॉर न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, थैंक यू सो मच। पहले शिफा जी, क्या कितना प्राउड फील हो रहा है अवार्ड रिसीव करने और क्या कहना? आई एम फीलिंग वेरी प्राउड और मुझसे ज़्यादा शायद मेरे पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि अभी मेरा 15-20 अवार्ड से मेरा वार्डरोब पूरा भर चुका है। सो आई एम ग्लैड टू हैव दिस अवार्ड, इट्स एन ऑनर टू होल्डिंग दिस अवार्ड एंड आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू ज्वेल एंटरटेनमेंट, आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू सैंडी एंड इट्स एन ऑनर टू होल्ड दिस अवार्ड एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस। So and I had a good, beautiful evening. So thank you very much. Hope to hold this again ahead. Thank you very much. प्राउड तो बहुत अच्छा हो रहा है मेरे को, अंडमान निकोबार आइलैंड से है वैसे, एक साल हुआ मुंबई में आके, खुशबू खान के साथ में वीडियो की, अभी जस्ट मूवी में मेरा डेब्यू म्यूजिक डायरेक्टर आ रहे हैं, एज अ सिंगर भी है उसमें, तो बहुत अच्छा लगा। सैंडी भाई को थैंक यू और खुशबू खान को भी। पहले तो आप सभी लोगों को नमस्ते और बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक सैंडी इज़ बिन ऑर्गेनाइजिंग दिस अवार्ड्स फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स एंड यू नो वी फील सो प्राउड एंड सो हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड्स बिकॉज यू नो वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स एंड कितने महीनों के बाद हमें ये मिलता है। सो थैंक्स टू सैंडी, सैंडी गर्ल दिस वन इज़ फॉर यू। आई थिंक आप सारे एक्टर्स को बुलाते हो और अपॉर्चुनिटी देते हो अवार्ड्स में, तो बहुत अच्छा है। Thank you so much. Thank you. I'll just leave. ग्लैमरस एक्ट्रेस, सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं ग्लैमर इंडस्ट्री में हूँ और लाइक इट्स बीन 6-7 ईयर्स नाउ और इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाती हूँ, काफ़ी शूट करती हूँ कंटेंट और अगर उसको ऐसे सराहा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। अपकमिंग अभी तो कुछ नहीं है लेकिन हाँ काफ़ी रियलिटी शोज़ के बारे में बात चल रही है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे फेमस शो उतरन के लिए अवार्ड मिला है जिसमें मैंने एंटैगनिस्ट का रोल किया था, मेन नेगेटिव अंबिका। सो आफ्टर सो लॉन्ग बट देन दिस इज़ वेरी क्लोज टू मी, अंबिका इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड थैंक्स टू यू फॉर ऑनरिंग मी विद दिस एंड इट इज़ वेरी स्पेशल। या आई एम डूइंग अ फिल्म बट आई कांट डिस्क्लोज राइट नाउ, सो वंस आई विल गो ऑन सेट आई विल डेफिनेटली लाइक। नमस्कार, मैं अपूर्वा चव्हाण, मैं तो बहुत खुश हूँ आज के दिन के लिए, तो बहुत खुश हूँ, बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए आज का और ये तो बस स्टार्टिंग है और आगे बहुत आगे जाना है और बहुत मंजिल है, बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबकी साथ चाहिए, हम ऐसे ही मेहनत करेंगे और बहुत आगे चले जाएंगे। बस थैंक यू कहूँगी सैंडी जॉयल सर के लिए कि जिनके वजह से आज हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, बस थैंक यू। Firstly, thank you so much Sandy Joel sir for having me here and giving me this opportunity as best actress and fashion influencer. It's just a beginning for me. Abhi bahut kuch hasil karna hai and I'm damn sure I'll do my hard work and I know yeah
आप पे कैमराज लेके शूट करना एंड बाइट लेना इट्स सो डिफिकल्ट बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट एज वेल सो मुझे पता है एंड स्टेपिंग टुवर्ड्स दिस एक्टिंग करियर थैंक यू सो मच वंस अगेन सैंडी जॉयल एंड एनएम एंटरप्राइजेस फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी थैंक यू सो मच अवार्ड रिसीव करते हुए कितना प्राउड Awards are very special always. It's just a recognition of everything that you do, all your hard work, all your consistency, and of course this is the prize for that. I feel very happy, very proud, very honored. And main nominate bahut ho chuki hu, lekin I think ye mera pehla award hai, so it's very special. And I've got the Rising Phoenix in acting and influencing. So that feels very good. It just inspires me to do even better work in what I'm doing. Thank you. जी सबसे पहली बात तो बहुत ही खूबसूरत सी शाम है इतना अच्छा मौका है देखिए जब हमें एक नया शो मिलता है जब हम परफॉर्म करते हैं और उसकी लाइक बदले में जब आपको प्यार मिलता है आपके ऑडियंस से तो आपको बड़ी खुशी होती है और आई थिंक वही आपका जो प्यार और सपोर्ट जो आपको ऑडियंस से मिलता है वो अगर जारी रहे तो आपको ये मिलता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अवार्ड्स की बारिश हो रही है मेरी लाइफ में और आई थिंक ये मेरा शायद 90th अवार्ड है सो आई एम रियली हैप्पी एंड फीलिंग ग्रेट आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल माई मेकर्स माई प्रोड्यूसर्स माई फैंस थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड फॉर दिस अवार्ड मिस्टर सैंडी लव यू गाइज थैंक यू फॉर दिस और दूसरा अवार्ड अगर आप मुझसे पूछेंगे ये किसका है तो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड मिस्टर अली खान का है वो इस वक्त बरसातें शूट कर रहे हैं तो वो आ नहीं पाए लेकिन मुझे ये बताइए इससे बड़ी प्राउड फीलिंग क्या होगी कि आपके बेस्ट फ्रेंड का अवार्ड भी आपके हाथ में है सो मेरे लिए ये डबल हैप्पी मोमेंट है सो या आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एंड हैप्पी थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर लविंग गाइस 2023 ये हमारे फ्रेंड सैंडी जी का अवार्ड शो है और आई थिंक इंटरनेशनल और नेक्स्ट अगेन इसी तरह के बड़े बड़े आवाज होते रहेंगे अच्छा लग रहा है सब लोग मिल रहे हैं सब फ्रेंड्स हैं और कुछ जानना चाहें ओके थैंक यू सी ऑफ कोर्स जब भी आई गेट एन अवार्ड आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड आई लव इट व्हेनेवर आई गेट एन अवार्ड आई एम एन अटेंशन सीकर कम ऑन आई एम एन एक्टर सो आई लव गेटिंग एन अवार्ड सो आई एम सो हैप्पी दैट यू नो आई गॉट दिस इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड 2023 एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू हैव दिस यस सो माई म्यूजिक वीडियो इज कमिंग अप वेरी सून दिस मंथ एंड यू गोना एक्सपीरियंस द डार्क साइड ऑफ लव इन दैट म्यूजिक वीडियो एंड यू गोना सी मी इन डिफरेंट शेड्स एंड आई होप यू गाइस रियली लाइक इट थैंक यू सो मच गाइस सबसे पहले मैं सैंडी जुएल जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ फॉर दिस लवली अवार्ड एंड विशिंग हिज टीम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस अचीवमेंट अवार्ड ये उनका शायद सेकेंड ईयर है और जो जो भी विनर्स है उनको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ वो जो भी करे लाइफ में हमेशा सक्सेस करे और हमेशा यू नो आगे बढ़ते रहे माई विश फ्रॉम इनसाइड टू ऑल द विनर्स कंग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर्स वेल आई एम करेंटली डूइंग इंस्पेक्टर अविनाश विद रणदीप हुडा ऑन जियो सिनेमास सीजन टू मेरे ख्याल से नवंबर में रिलीज होने वाली है और एक शो कर रहा हूँ वेब शो स्टॉपर जो जियो सिनेमास में आने वाली है जिसमें है श्वेता तिवारी सौरभ राज जैन दिगांगना जीनत अमान जी वहीदार जरीना वहाब जी मैं हूँ अमिता नांगिया तो वो मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर तक रिलीज़ होगी और मैंने हाल ही में एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस की है थैंक्स मॉम जिसमें है शरद मल्होत्रा आकांक्षा पुरी प्रवीणा देशपांडे और मैं मैंने लिखी है और प्रोड्यूस भी किया थैंक यू सो मच थैंक यू पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये मेरा पता नहीं 7 या 8वां नंबर क्राउन है पता नहीं है मेरे को भी पता नहीं है जनरली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे को मेरे काम की वजह से रिकॉग्नाइज मिल रहा है और सैंडी सर को थैंक यू बोलूँगी और उनके सारे टीम को थैंक यू हाँ वो मेरा ओडिशा में इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ तो उसका प्रोजेक्ट चल रहा है पेंडिंग सो एक्चुअली आई रियली फील गुड एंड थैंक यू सो मच टू जेल्स लाइक सैंडी एंड
बस एक्चुअली इट्स लाइक मेरी न्यू मराठी मूवी आने वाली है. इट्स लाइक दिस फर्स्ट टाइम कुछ मैं एक्टर रोल में कर रही हूँ एंड आई रियली फील गुड. थैंक यू सो मच. मजा आया कि नहीं? ऐसे ही बोल रहे हो या मैं अभी इधर हूँ इसलिए बोल रहे हो? पक्का ना दादा? एक नंबर के बारे में सर मुझे तो बहुत मजा आया होस्ट करने में अवार्ड शो. सैंडी ने कहा, दोस्त है मेरा, भाई है, उसने बोला अवार्ड शो है अच्छे से करना है. मैंने बोला धमाल मचाएंगे, अच्छे से करेंगे. एंड आई होप आप लोगों को मजा आया. आई थिंक एज ऑडियंस, ऑडियंस का प्यार, ऑडियंस का रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कोई भी आर्टिस्ट हो, एक्टर हो या आई थिंक एंकर हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि ऑडियंस को अच्छा लगे. तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. सर मैं खिंचाई करूंगा, लेकिन खिंचाई करके बुरा अगर लोग मान जाएंगे अगले साल सैंडी के अवार्ड शो में नहीं आएंगे. फिर सैंडी मेरे को फोन करके बोलेगा कि ऐसा ऐसा हुआ है तो तेरे वजह से नहीं अवार्ड आया. तो मेरे को भी काम चाहिए, मेरे को भी अवार्ड चाहिए, उसको भी लोग चाहिए. तो जो भी होगा, कुछ भी गलत हो, कॉन्ट्रोवर्शियल, आप सैंडी को पूछो, सैंडी जाके आराम से करेगा एकदम. थैंक यू सो मच. सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे अवार्ड फंक्शन के बारे में? सबसे पहले तो हमारे सैंडी भाई को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ कि सैंडी भाई ने हमको इनवाइट किया है अवार्ड फंक्शन में. अगर वो ना करते तो आप लोगों का प्यार भी देखने को नहीं मिलता, राइट है ना? और सैंडिया, आप लोगों ने जो लॉन्च किया, जी जी, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ होने वाला है? गुरु बुक एक ऑनलाइन बुक है, वो एक नंबर है. बहुत लोग पूछते हैं, यार सनी भाई हमको इजी पैसे कमाने, तो कैसे कमाने? तो हम लोग सबको बोलेंगे कि गुरु बुक पे खेलो, वो एक नंबर ऑनलाइन बुक है. इंडिया की सबसे ट्रस्टेड लाइसेंस पहली बुक है, गुरु बुक है. सैंडी भाई आप क्या कहना चाहेंगे, दोनों भाई यहाँ पर सपोर्ट करने आए? और मेरा जब फोन जाता है तो भाई मेरे लिए आ जाते, कभी मना नहीं करते. तो बहुत अच्छा लगा कि आज आए और शो का माहौल उन्होंने बढ़ा दिया. पहले तो सबको सॉरी बोलना चाहता, हम लोग को लेट हुआ क्योंकि हम लोग पुणे में रहते और आज बारिश की वजह से पूरा लोनावला जाम था, तो 2 घंटा हम लोग लेट हो गए आने में. पहले तो सैंडी भाई को सॉरी. सैंडी बहुत सक्सेसफुल रहा यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? पूरी मेहनत जो है रंग लाई, उसके बारे में थोड़ा बताइए, जर्नी के बारे में. वो ज्यादा करके आपको मोहिम भाई बताएंगे. मोहिम भाई प्लीज आ जाओ ना यहाँ पे बंटी भाई के बारे में. सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और सर आप लोगों का भी, कि आप लोगों ने इस इवेंट में आके यहाँ पर चार चांद जैसे रोशनी सा एकदम माहौल बना दिया. और गोल्डन मैन यानी कि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है. आप लोगों का प्यार, आप लोगों का इतना अच्छा नेचर है. तो आज जो ये इवेंट था, ये बहुत ही अच्छा इवेंट था. सारे सेलिब्रिटी आए यहाँ पर, और हमारी जो ब्रांड है एम लिबास, वो बहुत ही फेमस ब्रांड है ऑल ओवर इंडिया. तो आगे भी हम हमारी जो क्लोथिंग ब्रांड है उसको और आगे तक लेके जाएंगे. अभी हम लोग कोलैबोरेशन करने वाले आपके साथ. थैंक यू सर. अगला वाला अवार्ड अपन येड़ भगा डालेंगे, तांडव कर डालेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू सर. गोल्ड का रखेंगे हम लोग, गोल्ड का रखेंगे कुछ तो अवार्ड. अभी अगला हम लोग रखने वाले जो साथ में. आई वॉन्ट टू थैंक्स टू AIG अवार्ड एंड सैंडी जी, उन्होंने हमें इन्वाइट किया, अवार्ड से सम्मानित किया. एंड दिस इज ब्यूटिफुल, लाइक आप सब ने हमें इतना प्यार दिया. थैंक यू सो मच ऑल द मीडिया जो आए हैं और यहाँ पे उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है. एंड सैंडी जी, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सैंडी भाई. और हम लोग अभी करने वाले ना जो अवार्ड, वो गोल्ड से रिलेटेड ही करेंगे. कितना टाइम लगेगा उसको अपने को ये करने का अवार्ड शो? जनवरी में करेंगे हम. फर्स्ट जनवरी में करेंगे, फर्स्ट वीक में करेंगे जनवरी में. तांडव फुल गोल्डन गाइस स्टाइल में गेड़ भगा डालने का. जनवरी में भाई का बर्थडे भी रहता है, उस पर करेंगे. 2 जनवरी को ही रखेंगे अवार्ड फंक्शन, उसमें कुछ तो अवार्ड ही हम लोग गोल्ड कर रखेंगे कुछ तो. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. एकदम सपोर्ट की तरह खड़ा था सैंडी भाई के साथ. क्या कहना चाहेंगे, कैसा कोलैबोरेशन रहा और इतना सक्सेसफुल हुआ शो, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग ने जोर से बोलो भाई थोड़ा सा. स्टार्टिंग में जितने जन आ रहे थे उससे अच्छा मेरे को इतना ही लगा कि ये जब भी आ गए तभी 4 चांद लग गए शो के. थैंक यू. थैंक यू भाई. ये तो सब जन पूरे मुरझे हुए थे. गोल्डन गाइस आते तो सब ईयर भाग जाते सबका. तांडव वैसे हो जाता विषय का. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. इतना
सक्सेसफुल हो गया अवार्ड शो, और क्या कहना चाहेंगे सैंडी के साथ, किस तरह का कोलैबोरेशन? मैं बोलना चाहूँगा कि जो सैंडी भाई के साथ में आज ये इवेंट हुआ, ये बहुत ही अच्छा यादगार इवेंट था, और आज जितने भी सेलिब्रिटी यहाँ पर आए सारे लोग बहुत खुश थे। हमने हमारी ब्रांड की जितनी भी ड्रेस थे वो उनको गिफ्ट किए, तो मुझे लगता है उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरी ब्रांड ऑल ओवर इंडिया में फेमस ब्रांड है, एम लिबास के नाम से, जो कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी अहमदाबाद में है और मुंबई में हमारा सेल्स ऑफिस है। बहुत सालों से हमारे साथ में कस्टमर जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और मैं उन सब लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा मेरे ब्रांड में जो कि अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो जुड़ सकते हैं और एक बार हमारी ब्रांड को ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड है और मैं जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ ताकि मेरे कस्टमरों तक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट पहुँचे। और आप लोगों के लिए भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इतने टाइम तक रुके और आपका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा हमारे लिए, तो मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और आप लोग भी हमारी ब्रांड से जुड़ना भूलना नहीं, ठीक है? अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए हमारे ब्रांड के कपड़े ज़रूर लेना, बहुत पसंद आएंगे उनको। और हमारी जो एक टैग लाइन है, हो कोई भी उम्र या हो कोई भी साइज, एम लिबास में मिलेगी हर किसी की चॉइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।